खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर अपने शो संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना एसआर खान। राजनीति में सेना के पराक्रम का इस्तेमाल ना हो, इस बात को लेकर चुनाव आयोग सख्त है। और इस बीच सेना के पूर्व अधिकारियों की एक चिट्ठी सामने आई है जिसमें चुनावी रैलियों में सेना के नाम पर वोट मांगने पर आपत्ति जताई गई है। लेकिन राष्ट्रपति को ऐसी चिट्ठी भेजे जाने की खबर के बाद इस पर विवाद शुरू हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि दरअसल ये सरकार के खिलाफ प्रोपोगंडा है, ये फेक न्यूज है। वहीं कुछ पूर्व अधिकारी कह रहे हैं कि चिट्ठी उन्होंने लिखी ही नहीं है, लेकिन ये जरूर मान रहे वो कि सेना का राजनीतिकरण बंद होना चाहिए। तो इसी मुद्दे पर हमारा आज का बड़ा सवाल ये कि सेना लगाए निशाना, नेता का काम भुनाना। सियासत में सेना के शौर्य के इस्तेमाल पर सवाल, चुनाव आयोग के भी निशाने पर आए नेताओं के बयान। मैं जरा कहना चाहता हूँ मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? पुलवामा में जो वीर शहीद हुए हैं, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है, यही अंतर है। भाषणों में लिया जा रहा है मोदी की सेना, इससे आपकी क्या? ऐसा कोई नहीं ले रहा, किसी का स्लिप ऑफ टंग हुआ होगा तो कह नहीं सकते। सेना के शौर्य पर वोट की सियासत का देना होगा जवाब। पूर्व अधिकारियों ने चिट्ठी लिखकर कहा बंद हो सेना पर सियासत। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, बीजेपी ने चिट्ठी को कांग्रेस की साजिश बताया। जब आर्मी वेटरन्स ये लिखते हैं तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की ढील दी जा रही है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सारे नियम कानून संवैधानिक तौर तरीके प्रजातंत्र का सम्मान को दरकिनार कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया। मैंने एक बात बताया ना कि कांग्रेस पार्टी फेक फैब्रिकेटेड एंड फ्रॉड कहानी किससे गढ़ने में बहुत माहिर है और ये वही कांग्रेस पार्टी है जो सबूत और सवाल पूछ करके कांग्रेस और कांग्रेस के जो पाकिस्तान से सुर मिल रहे थे वो दिखाई पड़े। कई पूर्व सैन्य अधिकारियों का चिट्ठी से इनकार। नो एलिगेशन, नो स्टेटमेंट, नथिंग, यू जस्ट सेड एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी डोंट वांट टू बी पॉलिटिकल। कुछ भी पता नहीं, यही तो बोल रहा हूँ। चिट्ठी पर विवाद के बीच सवाल बरकरार, सेना लगाए निशाना, नेता का काम भुनाना। देखिए, सवाल जो है वो चुनावी फायदे के लिए सेना के नाम का इस्तेमाल को लेकर उठाया जा रहा है और इस बारे में जो देश का संविधान है वो क्या कहता है, क्या हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है, आइए आपको जल्दी से बताते हैं। देखिए, संविधान की मूल भावना ये है कि सेना की किसी भी रूप में राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। राजनीति के लिए सेना का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये साफ है बात। पिछले महीने चुनाव आयोग ने ये निर्देश भी दिए थे कि चुनाव प्रचार के लिए सेना की किसी भी कार्रवाई का कोई भी पार्टी या कोई भी उम्मीदवार कतई इस्तेमाल ना करे। तो ये है वो संविधान का दायरा जिसके तहत आज चर्चा करेंगे और आज की इस चर्चा में खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से मौजूद है पार्टी के नेता संजय मयूख, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। और देखिए, आज रक्षा विशेषज्ञों का, सेना से जुड़े अधिकारियों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है जिसमें हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं, मेजर जनरल राजन कोचर जी हैं और एक और खास मेहमान जो आज की इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं वो है मेजर जनरल हर्ष कक्कड़। और मेजर जनरल हर्ष कक्कड़, आज इन्हीं से मैं शुरुआत इस वजह से करने जा रही हूं क्योंकि ये है वो चिट्ठी,
ये चिट्ठी है 156 अफसरों के, जिस पर हस्ताक्षर की बात कही जा रही है, और इसमें मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ का नाम 31वें नंबर पर है। 31वें नंबर पर मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ का नाम है। तो मेजर जनरल हर्ष कक्कड़, आपसे ही शुरुआत कर रही हूं सर, ये जो चिट्ठी है इसमें कहा जा रहा है कि हमारा मकसद चिट्ठी लिखने के पीछे ये है कि सेना के सियासी इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए, लेकिन सवाल ये सर कि इस चिट्ठी पर भरोसा कैसे किया जाए, क्योंकि लोग कह रहे हैं ये तो फेक न्यूज की कैटेगरी में आने वाली चिट्ठी है। देखो, जिसने जो कहना है कह ले, पर ये चिट्ठी में जब मेरा नाम है तो मैंने इसके लिए अपने नाम का सैंक्शन दिया था और एंडोर्स करता हूँ। कारण ये है, हम कोई पार्टी के खिलाफ नहीं है, ना कि हम कोई सिंगल पार्टी को कह रहे हैं। हर पार्टी सेना का नाम मिसयूज कर रहा है, चाहे जब उर्मिला मटडोनकर की जब कारवाइन चल रही थी मुंबई में इलेक्शंस के लिए, तो पीछे अभिनंदन का पोस्टर था। फारूक अब्दुल्ला जब कहता है तो वो भी फौज का नाम लेता है। चाहे कुमारस्वामी हो जो कहता है कि अगर किसी के पास खाने के लिए नहीं है तभी वो सेना में आता है। केजरीवाल कोई कमेंट देता है, मनीष तिवारी क्रिटिसाइज करता है जब एयर चीफ कोई कमेंट देते हैं चंडीगढ़ में, और उसके बाद योगी जी कहते हैं मोदी की सेना। हमारा ये कहना है कि सेना अपोलिटिकल है। सेना ने जब भी उसको काम दिया हुआ है सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। पर यह बात जरूरी है कि जो प्रेजेंट सरकार ने डिसीशन लिया था, चाहे वो बालाकोट का हो चाहे वो पहला सर्जिकल स्ट्राइक हो, ये डिसीशन ये जो सरकार ने लिया उसके लिए उसको क्रेडिट लेना जरूरी है। पर सेना का नाम लेना कि बालाकोट के लिए वोट दो या मोदी की सेना कहना, वो गलत है। सेना देश की है, आपकी सेना है, मेरी सेना है, हम सब की सेना है। तो हमारा सिर्फ यही मकसद है कि हमें बीच में मत लाइए। सॉरी बीच में बोल रही हूँ सर, क्योंकि समय सीमित होता है। दूसरा सवाल मेरा इसी चिट्ठी से जुड़ा हुआ वो ये, आप जो पॉइंट्स उठा रहे हैं वो तो ठीक पॉइंट्स है सर, लेकिन इसमें पहले नंबर पर जो नाम लिखा हुआ है जनरल एसएफ रॉड्रिक्स, ठीक है सर, 8वें नंबर पर नाम लिखा हुआ है एयर चीफ मार्शल एनसी सूरी, ठीक है सर, 20वें नंबर पर नाम लिखा हुआ है लेफ्टिनेंट जनरल एमएल नायडू। ये मैं नंबर के साथ नाम इस वजह से बता रही हूं क्योंकि इनसे हमने संपर्क किया है और इनका कहना है साहब हमने तो कोई चिट्ठी नहीं लिखी है, हमने तो कोई हस्ताक्षर नहीं किए, तो फिर सर कैसे भरोसा किया जाए इस चिट्ठी पर? आपको मैं क्लियर करा लू, सुनिए आप एक मिनट, आपको मैं क्लियर करा लू। ये लेटर हम काफी लोगों के पास आया था मेल में, मैंने एंडोर्स किया है, बाकी ने किया नहीं किया मैं उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दे सकता। मैंने अपनी तरफ से एंडोर्स किया और मैं अपनी तरफ से स्टैंड ले रहा हूं कि हां मैंने एंडोर्स किया है। बाकी अगर वो कह रहे हैं नहीं किया तो जिसने ओरिजिनेट किया आप उनसे पूछिए। मेरे पास आया था, मैंने एंडोर्स किया और मैं उसके लिए स्टैंड करता हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ आपको लगता है, जो इस चिट्ठी में लिखे हुए हैं और वो मना कर रहे हैं तो उससे भरोसा कम होता है इस चिट्ठी पर? नहीं सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको लगता है फिर कि जिनके नाम है और वो खुलकर सामने आ रहे हैं कह रहे हैं साहब हमने तो नहीं, आपको क्या लगता है इससे भरोसा कम होगा ना? अगर आपको भरोसा कम लगता है तो भरोसा कम है। हाँ जी रोमाना जी, क्यों भरोसा कम होगा? जिसने, अगर मैं बोल रहा हूं मैंने एंडोर्स किया तो मेरी तरफ से भरोसा है, आपकी तरफ से आपका ओपिनियन है, मेरी तरफ से मेरा ओपिनियन है। सर आपने तो एंडोर्स किया, लेकिन इसमें कई ऐसे नाम हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं ऐसी कोई चिट्ठी थी, हमने तो कहीं साइन नहीं किया, इस वजह से मैं कह रही हूँ सर। और इसी वजह से क्या बल नहीं मिलेगा कि ये सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा है? मैंने तो ओरिजिनेट किया नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूं। मैंने नहीं किया, मेरे पास आया और मैंने एंडोर्स किया और मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैंने एंडोर्स किया। ठीक है सर, कुछ ऑडियो में डिले है इस वजह से शायद आप मेरी बात देर तक पहुंच रही है। मैं समझ गई सर आपका जवाब, मैं आगे बढ़ रही हूं, मैं अपने मेहमानों का रुख करूंगी और मैं जो राजनीतिक मेहमान है उनका रुख करती हूं। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से अभय दुबे जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले आप बात रखिए फिर मैं चलती हूं संजय मयूख जी के पास। आइए अभय जी। देखिए रोमाना जी, सिर्फ कक्कड़ साहब ने ही नहीं, भागवत जी ने भी इस बात को स्वीकारा है, जनरल शंकर राय चौधरी ने भी स्वीकारा है, और कई मूर्धन्य
वेटर्न्स हैं जिन्होंने कहा है कि हाँ हमने इस पर सहमति दी। रोमाना जी, देश में बहस इस बात पर होनी चाहिए कि इस चिट्ठी में लिखे हुए कंटेंट से सहमत हैं कि नहीं हैं। इस पर सब बात नहीं होनी चाहिए कि ये किसने लिखी है या नहीं लिखी है। प्रधानमंत्री जी जब देश को कहते हैं कि जो पहले वोटर्स हैं वो बालाकोट पर या पुलवामा के शहीदों के लिए वोट करें, प्रधानमंत्री जी ये शोभा देता है आपको ना? आपके पद को शोभा देता है। और प्रधानमंत्री जी जान लीजिए, पहला वोट जो 11 अप्रैल का है, हिंदुस्तान के पहले 8 करोड़ 40 लाख वोटर्स ने बेरोजगारी के खिलाफ वोट कर दिया है प्रधानमंत्री जी। दूसरा वोट जो 18 अप्रैल को है वो देश के संगठित संसाधनों की लूट पर होगा। तीसरा वोट नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स के खिलाफ होगा। चौथा वोट 29 अप्रैल को किसानों को, जो विश्व अहिंसा दिवस के दिन दिल्ली के दरवाजे पर लाठियां मारी है, लहू लुहान किया, उस पर होगा। 6 मई का जो वोट है वो दलितों की प्रताड़ना के खिलाफ होगा। 12 मई को छठा वोट, आज के मुद्दे पर रहिए। नहीं सर, सर भाषण नहीं दिया जा रहा है ना यहाँ पर। ये चुनावी रैली नहीं है ना, ये चुनावी रैली नहीं है, भाषण नहीं हो रहा है यहाँ पर। मैं संजय मयूख जी का रुख करूंगी। संजय मयूख साहब, कुल मिलाकर जो बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है वो ये कि सेना का इस्तेमाल दलहित के लिए, देशहित इसमें क्या है सर? दलहित के लिए क्यों किया जाए सेना का इस्तेमाल? देखिए जिनकी कलाई आज खुल चुकी है, जिनके फर्जीवाड़े की कलाई आज खुल चुकी है, वो लगातार विषय से भटकाना चाहते हैं। हम सीधा मानना चाहते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ पत्र नहीं पहुंचता है। पत्र कहाँ पहुंचता है? कांग्रेस कार्यालय पहुंचता है। कांग्रेस कार्यालय से प्रेस किया जाता है, उस पत्र को दिखाया जाता है। गवाही कौन देता है? अभय दुबे सरीखे लोग इसकी गवाही देते हैं। मैं अति सम्मानित और विशिष्ट लोगों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि राजनीतिकरण माननीय अभय जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जो 70 वर्षों से फर्जीवाड़े की बुनियाद पर खड़ी है, जो फर्जीवाड़े की खेती कर रही है, सर आपके लिए भी वही कहूंगी फिर कि भाषण नहीं है, रैली नहीं है। सुन लीजिए, सवाल सुनिए और सवाल का जवाब दीजिए। सर भाषण मत दीजिए, जवाब दीजिए। भाषण मत दीजिए, जवाब दीजिए। संजय मयूख, सवाल सुनिए, उसके बाद ही जवाब दे पाएंगे। सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। सर आप अंतर्यामी नहीं है कि मेरे मन का सवाल आप जान पाए हो। मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल ये है कि क्या आपके नेता जब ये कहते हैं कि सेना मोदी की सेना है, क्या आपके नेता जब मंच पर पहुंचते हैं चुनावी रैली करने के लिए और पीछे शहीदों की तस्वीरें लगी होती हैं, क्या ये सेना का राजनीतिकरण है या नहीं है? बताइए, देश को जवाब दीजिए। कहीं से राजनीतिकरण नहीं है, हमको अपने शौर्य का अभिमान है, हमको अपने देश का स्वाभिमान है, और देश के स्वाभिमान को मैं प्रकट करूंगा। क्योंकि इस देश इसीलिए फिर चुनाव आयोग को कहना पड़ता है ना, इसीलिए फिर चुनाव आयोग को निर्देश देने पड़ते हैं, इसीलिए चुनाव आयोग को निर्देश देने पड़ते हैं। अब ये तो चोरी भी हो गई और सीना जोरी भी हो गई, चोरी भी हो गई और सीना जोरी भी हो गई। सर सर और राहुल सम्मान कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, सम्मान कर रहे हैं वोट बटोरने के लिए। कैसा सम्मान है सर? ये कैसा सम्मान है सर? सर ये कैसा सम्मान है? महाशक्ति बनता है सर, कैसा सम्मान है? नागरिक गौरवान्वित होता है। शहादत के नाम पर, सेना के नाम पर वोट मांगना, सेना के नाम पर दे दो बाबा वोट, दे दो बाबा सेना के नाम पर वोट, दे दो बाबा सेना के नाम पर वोट, दे दो। ये सम्मान है सेना का, ये सम्मान है सेना का सर, ये सम्मान है सेना का। अभिमान करिए, ये सम्मान है सेना का सर, ये अभिमान कर रहे हैं आप। ये सम्मान है, वोट दे दो बाबा, वोट दे दो हमको सेना के नाम पर, वोट दे दो बाबा। ये सम्मान है, ये सम्मान है कि आप फर्जीवाड़े की खेती कर रहे हैं? ये सम्मान है सर, फर्जीवाड़े की खेती कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। एक मिनट, संजय मयूख साहब फर्जीवाड़ा किसे कह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी को। संजय मयूख साहब फर्जीवाड़ा किसे कह रहे हैं? मेरे साथ हर्ष कक्कड़ लगातार बने हुए, मैं रुक करूंगी मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ का। सर एक मिनट, सर एक मिनट, एक मिनट हिम्मत रखिए बाकियों को सुनने की भी। आप फर्जीवाड़ा कैसे कह सकते हैं सर? मेरे साथ मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ लगातार बने हुए हैं और मैंने शुरुआत ही इस सवाल से की थी जो एक पक्ष कह रहा था कि साहब ये न्यूज ही फेक है, लेकिन हर्ष कक्कड़ यहां पर बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, मैंने हस्ताक्षर किए हैं, हाँ ये चिट्ठी है, हाँ हमने ये चिट्ठी भेजी है, क्योंकि हमारे मन में इस बात को लेकर दुख है कि सेना का राजनीतिकरण किया जा रहा है,
सेना का वोट बटोरने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सुनिए आप हर्ष कक्कड़ जी को, संजय मयूख जी हिम्मत के साथ। आइए मेजर जनरल हर्ष कक्कड़, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये फेक न्यूज है, ये फर्जीवाड़ा है। सूत्रधार के यहां से पत्र चला था, ये जो पत्र चला था ये हमारी तरफ से निकला था। जब हम लोगों ने देखा कि हर पार्टी हर पॉलिटिकल पार्टी सेना को मिसयूज कर रहा है, सेना को पॉलिटिसाइज कर रहा है, सेना के ऊपर या कोई डाउट डाल रहा है या क्वेश्चन कर रहा है या सेना के कार्रवाई के ऊपर, जो सक्सेसफुल कार्रवाई के ऊपर वोट मांगना है, हमारा ये मतलब है कहना कि सेना देश की सेना है। जब भी इसको कोई टास्क मिला है इसने किया है। जो पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट सेंटर में हो उसे कोई लेना देना नहीं है, इसने अपनी तरफ से काम किया है, इसको अपना काम करने दीजिए, इसके नाम के ऊपर वोट मत मांगिए। आप अपने डिसीशन जो आपने लिया है, चाहे वो बालाकोट का हो चाहे वो पहला सर्जिकल स्ट्राइक है, उसके ऊपर आपको पूरा हक है वोट मांगने का, उसके ऊपर वोट मांगिए। ये मत कहिए कि भाई बालाकोट या सेना को वोट दीजिए, सेना वोट नहीं मांगती किसी से। अब जवाब दीजिए संजय मयूख साहब, सेना के नाम पर वोट क्यों मांग रहे हैं सर? राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई उसकी क्रेडिट लीजिए आप, लेकिन ये थोड़ी कह देंगे आप दे दो बाबा सेना के नाम पर वोट दे दो बाबा सेना के शौर्य के नाम पर वोट दे दो। अरे सर कटोरा लेकर नहीं जाएंगे ना जनता के बीच में आप। तो मेरा सिर्फ आग्रह इतना था, वो पत्र चला कहां से था, क्योंकि इन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ इंडोर्स किया है, वो कह रहे हैं हमने लिखा है, इंडोर्स किया है, तो पत्र कहीं कह रहे हैं मैंने लिखा है। राष्ट्रपति भवन पत्र नहीं पहुंचता है, अभय दुबे के कार्यालय पहुंचता है, राहुल गांधी जी के घर पहुंचता है वो पत्र। ये देश के साथ एक छलावा है और हम गर्व करेंगे यदि जल्दी उठकर अखबार घटनाक्रम होगा समाचार करेंगे या भारतीय एक मिनट संजय मयूख साहब, अभय दुबे जी संजय मयूख जी मैं आपका काम आसान कर रही हूँ। मैं खुले शब्दों में कह रही हूँ, आप जो नहीं कह पा रहे मैं वो कह रही हूँ सर, मैं कह रही हूं वो अभय दुबे जी संजय मयूख सीधे सीधे कह रहे हैं ये कांग्रेस की साजिश है, ये कांग्रेस राजनीति कर रही है, कांग्रेस सेना के अफसरों को प्यादा बनाकर इस्तेमाल कर रही है बीजेपी पर हमला करने के लिए। आइए जवाब दीजिए इस बात का। रोमाना जी इससे शर्मनाक कोई बात हो सकती? हम तो अपने वेटर्न्स के प्रशस्त मार्ग पर चलने का मानस बनाते हैं, उन्होंने हमें भी सीख दिए। मैं आत्मसात करता हूं, जो कक्कड़ साहब कांग्रेस पार्टी को सीख दे रहे हैं अगर हमने किया है तो हम उसको सुधार करेंगे। रोमाना जी ये कहें संजय जी स्वीकार करें कि हाँ प्रधानमंत्री जी ने गलती की है, हमारे नेताओं ने गलती की है, सवाल उठाया है, आप स्वीकार कीजिए उर्मिला मातोंडकर ने गलती की, आप माफी मांगिए उर्मिला मातोंडकर के लिए, मांगिए माफी मांगिए। रोमाना जी एक क्षण के लिए सुन लीजिए, उनकी जो भी सीख हमारे सैनिक अधिकारियों की है वो आत्मसात करते हैं। आजाद भारत में एकमात्र राजनीतिक दल है आप जानती हैं जिसके खिलाफ सेना ने शिकायत की इलेक्शन कमीशन को 2013 में, सेना की शहादत के चित्र लगा करके उन्होंने विज्ञापन दिए पूरे पूरे पन्ने के, उनको ये हिदायत दी कि राजनीतिकरण नहीं करें 2013 से 18 आज 2013 में मत जाइए 2019 आज की तारीख शाम 4 बजे संविधान की शपथ। मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ को आपने सुना ना, सीमा पर बनाने हर्ष कक्कड़ जी कह रहे हैं कि उर्मिला मातोंडकर ने भी विंग कमांडर अभिनंदन का पोस्टर लगाया। आप अपने नेता के लिए तो जिम्मेदारी लेकर माफी मांग लीजिए, बाकियों को आईना दिखाना छोड़िए सर, खुद को ठीक कीजिए, माफी मांगिए। मैं चर्चा आगे बढ़ा लेती हूं, मांगिए माफी ना। रोमाना जी एक बात मैं प्रामाणिक रूप से कहता हूं,
उर्मिला मातोंडकर जी ने नहीं लगाया कोई फोटो, अगर किसी कार्यकर्ता ने लगाया है तो मैं उसे सही नहीं मानता, पार्टी उसे सही नहीं मानती, और आप अगर कहती हैं तो मैं उसके लिए खेद भी प्रकट करता हूं। लेकिन उर्मिला मातोंडकर जी से बात हुई, उन्होंने इस प्रकार का कोई खुद ने फोटो नहीं लगाया। मैं आपके अच्छा है आपने खेद जता दिया सर, और मुझे आप असमंजस में मत डालिए कि मैं किसकी बात मानूं, क्योंकि यहां पर एक वेटरन बैठे हुए हैं और जिन्होंने सीधे सीधे उर्मिला मातोंडकर का भी नाम उसी फेहरिस्त में लिया जिसमें उन्होंने बताया किस तरीके से बालाकोट के नाम पर वोट दे दो, प्रधानमंत्री से देश की सेना मोदी की सेना कहती जाती है। ठीक है सर, ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। जरा सा उनके पास चली जाऊँ, उसके बाद आप दोनों के पास आऊंगी, उसके बाद उन दोनों के पास, आप दोनों के पास आऊंगी मैं आगे बढ़ रही हूँ। मेजर जनरल के सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद है। मेजर जनरल के सिन्हा, ये चिट्ठी जो आप ही के साथियों की तरफ से, जिनके नाम है उनकी तरफ से लिखी गई है, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस चिट्ठी को? क्या ये आर्मी का दर्द है या फिर ये आर्मी के नाम पर सियासत की जा रही है? सर, हकीकत आपकी नजर में क्या है? देखिए, मेरी नजर में तो ये सिंपल है, जो लोगों ने इस चिट्ठी में जानकर लिखा है तो वो भी उसी तरह से फंस रहे हैं इस गेम में, जिस तरह से लोग कह रहे हैं, तोहमत लगा रहे हैं कि आर्मी की यूज हो रही है। देखिए, मैं आपको समझा दूं, आप इसमें चिंतन करें, इसमें विचार करें। बात यह है, आर्मी को यदि आप वोट के लिए यूज करते हैं, कोई बूथ लूटने के लिए यूज करते हैं, तो उसको कहते हैं आर्मी के यूज हुआ है। आर्मी के नाम की, आर्मी के इश्यूज की यदि आप बात करके इसको डिबेट में, एक पॉलिटिकल डिबेट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या बात करती हैं? ये देखिए, अभी हर्ष कक्कड़ साहब बैठे हैं, वो कहते हैं उन्होंने एंडोर्स किया, उनकी सोच होगी। 3.2 मिलियन एक वेटरन्स हैं, अभी 3.2 मिलियन सबने अपनी सोच इस तरह से लिखना शुरू कर दिया, तो ये तो प्रॉब्लमेटिक है ना। आप अमेरिका को देखिए, वहां जब प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है, उस समय उस फॉर्म में भी डिबेट में बात आती है, खुल करके प्रेसिडेंट बात करते हैं अब नॉमिनेट कि हमारी तो पॉलिटिकल, हमारी सर पॉलिसी क्या होगी, बताइए आपको क्या लगता है? ये चिट्ठी जो लिखी गई है ये सियासत है, आपको ये लग रहा है? आप सीधे आरोप लगा रहे हैं ना कि ये सियासत है, आप खुलकर कह रहे हैं कि ये सियासत हो रही है? आप जी हाँ, मैं एब्सोल्युटली ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कहता हूं हमारे सोच में प्रॉब्लम है। हमारे आपको समझना पड़ेगा, इंडिया 70 साल से ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हिस्सा है, इसमें हर एक, मेरे को भी, मैं जब फौज में था, कक्कड़ साहब भी फौज में थे, उस समय भी वोट देने का अधिकार था, हम वोट देते थे। तो यह कहना कि आप ए पॉलिटिकल होना वो दूसरी बात है, एक पॉलिटिकल सोच रखना वो दूसरी बात है, और इसको मिक्सअप ना करें। आप इसको समझें, नेशनल डिबेट होनी चाहिए, क्यों नहीं? आपके जो आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल राजन कोचर। आपने सुना मेजर जनरल के सिन्हा का पॉइंट ऑफ व्यू, वो कह रहे हैं कि क्यों ना बात हो, आर्मी की अगर बात हो रही है तो इसमें हर्ष क्या है? और वो ये कह रहे हैं कि ये जो चिट्ठी है ये अपने आप में सियासी है, इस चिट्ठी को वो सियासी नजर से देख रहे हैं। प्लीज रिस्पॉन्ड मेजर जनरल राजन कोचर। मेरे को खोल दे, ये नए वाले। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि ये चिट्ठी सियासी है। ये 150 वेटरन्स की सोच है, और हमारे जैसे हजारों वेटरन्स जिनके पास ये रिक्वेस्ट नहीं पहुंची सिग्नेटरी होने के लिए, हम ये सोच से सहमत है। बहुत इम्पोर्टेंट इशू इस चिट्ठी ने सामने लाया है, और वो इशू है हमारी फौज को पोलिटिकलाइजेशन की तरफ ले जाने का। जितने भी मुद्दे इस चिट्ठी में सामने आए हैं, जो भी जांच अधिकारी है उनको इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। फौज को पॉलिटिकल तरीके से इस्तेमाल करना सही नहीं है, ये फौज के मोराल के लिए सही नहीं है, ये हमारे जवानों के लिए सही नहीं है। फौज एक अकेली ऑर्गेनाइजेशन है इस कंट्री में
जो आज तक अपोलिटिकल है, और मेरी अपील है सारे नेताओं से, आप प्लीज इस ऑर्गेनाइजेशन को अपोलिटिकल रखें, जो पॉलिटिक्स की तरफ इस ऑर्गेनाइजेशन को मत लेके जाइए। नहीं तो सर ऐसा क्या हो गया कि देश के हित में नहीं है ये चिट्ठी लिखनी पड़ रही है? क्या हो गया ऐसा, ऐसा हुआ क्या, ये तो बताइए ना देश को, देश समझे क्या बात ऐसी लगी आपको कि आपको ये चिट्ठी लिखने की जरूरत पड़ी? जी ये इसमें क्या पॉलिटिकल और पॉलिटिकल हो गया, फौज का इस्तेमाल। सर एक मिनट मेजर जनरल के सेना प्लीज, सर एक मिनट सर प्लीज, अपनी बारी पर आइएगा। अभी मैं मेजर जनरल राजन कोचर से बात कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी सर, आपके पास आ जाऊंगी मैं, सीरियस डिबेट है इसीलिए मैं भी कह रही हूँ। प्लीज सर मेजर जनरल राजन कोचर को बोलने दीजिए, मेजर जनरल के सेना की आवाज थोड़ी कम कीजिए प्लीज, आइए प्लीज इसको लेट मी। जी जी मेजर जनरल राजन कोचर प्लीज आइए, बताइए ऐसा क्या हुआ है कि चिट्ठी की ना बताइए, चिट्ठी की नौबत इसलिए आई है कि जो कभी भी हमने जो पिछले इलेक्शंस में इस तरीके का प्रोपेगेंडा नहीं देखा है, जिसमें जो सेना को जो बीच में लाया जा रहा है और सेना के नाम पे वोट मांगी जा रही है। गवर्नमेंट की जो डिसीशन जो थी बालाकोट की, वो एक गवर्नमेंट की डिसीशन थी जो हर एक गवर्नमेंट को लेनी चाहिए थी जी, उसके लिए वोट मांगना सही नहीं है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये समझना चाहिए कि ये अभिनंदन की फोटो लगा के और ये सारी चीजें करके उनको वोट नहीं हासिल होगा। ठीक है सर, हमारे देश की जो जनता है वो समझदार है और देश की जनता के सामने मुद्दे हैं। ठीक है सर, और वो मुद्दे सामने आज इलेक्शन में मैं आ रही हूँ संजय मयूख जी के पास, मैं आ रही हूँ संजय मयूख जी के पास, लेकिन उससे पहले मेजर जनरल के सिन्हा, क्या इस देश में राष्ट्रवाद की भावनाओं को भड़का कर, मैं दोहराती हूँ सर, राष्ट्रवाद नहीं बल्कि मुझे उग्र राष्ट्रवाद बोलना चाहिए, राष्ट्रवाद नहीं सर, मैं अपना क्वेश्चन करेक्ट करती हूँ, मैं अपना सवाल बदलती हूँ सर, क्या इस देश में उग्र राष्ट्रवाद की भावनाओं को भड़का कर सेना के नाम पर वोट लेने की कोशिश हो रही है? आपको दिखती है मेजर जनरल के सेना या आपको नहीं दिखती है जो आपके बाकी साथियों को दिख रही है? देखिए मेरे साथियों को जो दिख रही है मैं उसी का हिस्सा हूं, आर्मी का, आर्म फोर्सेस का, सिक्योरिटी फोर्सेस का कभी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मैं इसके साथ हूं जो लोग कहते हैं, मगर आप ये कहेंगे कि सेना के इश्यूज का यदि डिस्कशन, देखिए मैनिफेस्टो दोनों पार्टियों की आई है, मेजर पार्टियों की जिसकी बातें हो रही हैं, एक कांग्रेस की है, मैंने पूरी पढ़ी है सर, और बीजेपी की आज का मुद्दा नहीं है, उस मैनिफेस्टो में यदि ये पॉइंटें आती हैं मेजर जनरल के सेना प्लीज लेट मी करेक्ट यू सर, प्लीज लेट मी करेक्ट यू सर, आज मुद्दा मैनिफेस्टो का नहीं है सर, आज बड़ा गंभीर मुद्दा है, आज वो सेना जिस पर हम सबको फक्र है सर, जिस पर हम सबको नाज है, हम सबका मान है सेना सर, उस सेना के राजनीतिकरण का आज मुद्दा है सर, और इस बात को मुझसे बेहतर आप समझते होंगे सर, मैं ये पूरी उम्मीद रखती हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, सियासी मेहमान का मैं रुक कर रही हूँ, संजय मयूख जी के पास जी हाँ, मैं समझता संजय मयूख साहब, संजय मयूख साहब जवाब दीजिए, दो सवाल है मेरे, दो सवाल है संजय मयूख साहब, लगातार संजय मयूख साहब सवाल मेरे, आपको जवाब देना है, बालाकोट के नाम पर वोट क्यों सर, जो वेटरन्स हैं उनको तकलीफ हो रही है सर, वो कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए सेना के नाम पर, संजय मयूख जी सेना के इश्यूज को यूज करना गलत नहीं है, अब जवाब देने दीजिए, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि दर्द किसको हो रहा है, जख्म कहाँ है, क्योंकि ये चिट्ठी महामहिम के यहाँ नहीं पहुंचती है, माननीय लोग कह रहे हैं जो हमारे सम्मानित है कि हमारे यहाँ किसी ने पत्र भेजा था, रिक्वेस्ट भेजा था, ये रिक्वेस्ट भेजने वाला आदमी कौन है, ये रिक्वेस्ट भेजने वाला राजनीति कर रहा है कि नहीं, देश के स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ राजनीति कर रहा है कि नहीं, दो लोग मेरा सीधा आरोप है, या रिक्वेस्ट करने वाला आदमी वही फर्जी वाला लोग है जो फर्जी पत्र को, ये कांग्रेस के लोग फर्जी पत्रों के आधार पे काम चला रहे, अभी तक तीन लोगों ने नकार दिया है कि मेरे हस्ताक्षर नहीं है और सारे लोग नकारेंगे क्योंकि इसका राजनीतिकरण करने का प्रयास हो रहा है, ये कभी नहीं बताया जा रहा है
कि कहां से आपके पास पत्र आई भाई, महामहिम कहां गए? सेना के सम्मानित लोगों का पत्र महामहिम कहां जाता है, और उस दिन इसका खुलासा होता है। उस पत्र को कांग्रेस कार्यालय द्वारा प्रस्तुत तब किया जाता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी को रसिया का सबसे बड़ा सम्मान मिल रहा है, जब देश का गौरव भाल ऊंचा उफान भर रहा है, उस दिन आप इस आरोप को मढ़ते हैं, क्योंकि आप चुनाव में हार चुके हैं। तो चुनावी राजनीति में हारने के बाद आप फर्जीवाड़े का सहारा लेते हैं, आप देश के आपको नवजोत सिद्धू याद आता है, नवजोत सिद्धू पर गर्व करते हैं, और हम अपने देश के लोगों पर गर्व करते हैं। अपने जिस राष्ट्रवाद की बात की थी, राष्ट्रीय भावना की आपने बात की थी, उस राष्ट्रीय भावना के लिए हम हमेशा कटिबद्ध रहेंगे, प्रतिबद्ध रहेंगे, और ये जितना भी हमसे बन पड़ेगा हम राष्ट्रवाद की भावना के साथ खड़े दिखेंगे। अब जवाब ले लो, लेकिन जवाब आइए अभय दुबे जी, आइए कि ये चिट्ठी अभय दुबे जी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। संजय मयूख कह रहे हैं ये चिट्ठी तो कांग्रेस के दफ्तर से ही आई है, वो मान ही नहीं रहे, वो नहीं मान रहे सर। मेजर जनरल राजन कोचर, रोमाना जी, संजय मयूख साहब नहीं मान रहे सर। अभय दुबे जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आऊंगी, उसके बाद मैं मेजर जनरल राजन कोचर के पास आऊंगी। आइए अभय दुबे जी, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। जी जी, मुझे दुख इस बात का है, मुझे दुख इस बात का है कि दो वेटन हमारे साथ बैठे हैं और कई लोगों ने स्वीकार किया, उन्हें फर्जी बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अरे देश के प्रति समूचा जीवन जिन लोगों ने समर्पित कर दिया वो फर्जी नहीं हो सकते। रोमाना जी बहुत गंभीर बहस आपने की, मैं 10 सेकंड में एक तथ्य रखना चाहता हूं। 21 जनवरी 2000 नडाला एनक्लेव नीलम नदी के पार जाकर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की, तब से लेकर 16 हमारी सरकार तक 6 जनवरी 2013 सावन पात्रा चेक पोस्ट पर जाकर हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। बहस आई हो, खून के जवाब संजय मयूख साहब जवाब सुन लीजिए आराम से सर, गुस्सा मत होइए, जवाब सुनिए। आइए अभय दुबे जी, रोमाना जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर मनमोहन सिंह जी की सरकार तक ने खून का घूंट पिया, सिर्फ ये कहा कि हमने बदला लिया है। इन 16 जो स्ट्राइक्स हमने सीमा के पार जाकर की, उनका जिक्र नहीं किया, उनका जिक्र अभी थल सेना अध्यक्ष ने, पूर्व थल सेना अध्यक्ष ने किया जब देश को पता लगा, तिथि वाइज डेट वाइज ये जानकारी आई। यही तो है खूबी कि देश की सेना को पूरी स्वतंत्रता है और देश की सेना को स्वायत्तता है, कोई राजनीतिकरण इसके पहले कभी नहीं किया गया। अब जब राजनीतिकरण हो रहा है तो भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अहंकार में मदमस्त है, वो तो फर्जी बता रहे हैं इन वेटर्स को, इन पुरोधाओं को फर्जी बता रहे हैं जिन्होंने कहा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात उसमें लिखी है रोमाना जी, उन्होंने कहा कि जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं वो कानून से बंधे हैं, उनसे हमारी बात हुई है, उनकी भावनाएं चूंकि वो परिलक्षित नहीं कर सकते, उनकी भावनाएं भी हम व्यक्त कर रहे हैं, तो वो भी आहत है जो अभी काम कर रहे हैं। जिस पत्र को आप रिलीज कर रहे हैं, इससे बड़ा दुख दुखद लोगों से हो सकता है। सर अपने समय पर, अपने समय पर सर, वरना जो जितना चिल्लाएगा वही बोलता रह जाएगा सर। सर यहाँ सबको बराबर मौका दे रही हूँ मैं बोलने का, मुझे मेजरों को फर्जी बता रहे हैं, उन सैन्य अधिकारियों को फर्जी बता रहे हैं जो अपना दर्द व्यक्त कर रहे हैं, उनको फर्जी बता रहे हैं। नहीं नहीं, कांग्रेस पार्टी सीख लेने को तैयार है, जो भी सैन्य अधिकारी कांग्रेस को कहेंगे कांग्रेस मानने को तैयार है, मगर दुखद है। अरे आप बताइए आज जो हालात हिंदुस्तान के हैं, अरे उस पर बात कीजिए जो पाकिस्तान पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, क्यों मोदी जी आंखें बंद करके उस पर बैठ गए? आइए साइको पठानकोर्ट में जांच के लिए आपने बुला लिया, ये तो सेना का निर्णय नहीं था। मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी, मैं मेजर जनरल राजन कोचर का रुख कर रही हूँ, मेजर जनरल राजन कोचर, एक तो बार बार कहा जा रहा है कि ये पत्र फर्जी है, ये फेक है, ये कहा जा रहा है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि साहब ये कांग्रेस के पास कैसे पहुंच गया, कांग्रेस इसे कैसे आगे बढ़ा रही है, प्लीज जवाब दीजिए। यहां पे जो इशू ये नहीं है कि ये पत्र फर्जी है या ये सही है, इशू ये है कि
पॉलिटिकल पार्टीज क्या ये सही काम कर रही है जो ये सेना का नाम ले रही है और लोगों से वोट मांग रही है। दैट इज द इशू हियर एंड दैट इशू मस्ट बी डिबेटेड। और ये जो ट्रेंड अभी जो हम यहां पे देख रहे हैं और एक महीने से देख रहे हैं, उसकी वजह से इतने सारे वेटरन्स को दर्द हुआ है और वो दर्द की वजह से ये चिट्ठी लिखी गई है। मैं आपको इतना जो बताना चाहूंगा कि इसमें कोई फर्जी मामला नहीं हो सकता है। ये एक ये वेटरन्स का दर्द है, उनकी सोच है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हमारे सुप्रीम का दर्द है, ये तो कांग्रेस के इशारे पर लिखी जा रही है। बीजेपी कह रही है ये वेटरन्स का दर्द नहीं है, कांग्रेस का दर्द है, कांग्रेस के इशारे पर लिखी गई चिट्ठी है। मैं इस चीज को नहीं मानता, मैं इस चीज को इसलिए नहीं मानता बिकॉज ये चीज पब्लिक डोमेन है। हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, रोमाना जी भाषण है नेताओं के, इस बात को स्पष्ट कर दें। कांग्रेस को कहां से पत्र मिल गया? रोमाना जी, हमने जारी नहीं किए, पत्रकारों ने प्रश्न पूछा उस पर प्रियंका सर। समय मेरे पास इतना ही है, लेकिन कुल मिलाकर आज की ये जो चर्चा हमने की, इसके बाद देखिए मेरी राय बहुत साफ है। मौसम चुनावी है और चुनाव के मौसम में नेता जिस तरीके से बेलगाम कुछ भी बोल रहे हैं, उनके लिए मेरी नसीहत है, सलाह है कि जरा संभल कर बोले। सेना का जो शौर्य है वो देश का है, हम सबका है। इसे वोट का हथियार बना चुनावी रैलियों में भुनाना, ये सिर्फ और सिर्फ हार का डर दिखाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत करने के